Good morning, everybody. A very, very warm welcome to all of you. And we are running a bit late. Session late ho gaya hai because of some technical error. Thank you for your patience. Ki aapne wait kiya for this session. So once again, a very warm welcome. And is session ki main shuruaat karungi. आप सबको विश करके वेरी हैप्पी 42nd ग्लोबल फॉरएवर एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू. एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा. एंड लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स जो आज के इस सेशन से आप लेके जाएंगे. बिकॉज टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया एंड हाउ वी कैन यूज this medium to increase our business in forever. So let's begin with this session. Just one second. Right, so as I mentioned, many many congratulations to all of you. So शुरुआत करते हैं session की. और मैं शुरुआत करूंगी इस session की you know एक word के साथ. आप में से कितने लोगों ने ये word सुना है, watershed moment? या इसको समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है? Well, watershed moment वो एक ऐतिहासिक क्षण होता है जिस ऐतिहासिक क्षण से आपकी जिंदगी जैसी थी वैसी नहीं रहती. चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं. टेक्नोलॉजी की दुनिया का वॉटरशेड, आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करेंगे. तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में का वॉटरशेड मोमेंट जो था, पहला वॉटरशेड मोमेंट वॉज 1927 जब पहला टेलीविजन डिस्कवर किया था. एंड लाइफ कम्प्लीटली चेंज, जिंदगी बदल गई आफ्टर दैट. या 1976 जब पहला एप्पल कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, दैट हैज बीन अ वॉटरशेड मोमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट. ऐसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में वॉटरशेड मोमेंट था जब वर्ल्ड गॉट डिजिटली कनेक्टेड. जब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए जिन्होंने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया. एंड यू नो वी वर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर वेरी वेल. क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल की बात कर रहे हैं, सो आज मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स शेयर करने वाली हूँ. तो ये जानते हैं हमारे लिए, इससे पहले कि हम सोशल मीडिया पे आए, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है दैट मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया यूसेज कितनी है दुनिया में. एंड दिस इज द लेटेस्ट डेटा दैट आई एम शेयरिंग विद यू ऑफ 2020. I'm going to share with you कि how are we well connected. तो अगर हम world population की बात करें तो total population is 7.75 billion, जिसमें urban population जो है वो 55% है. इस population में वो लोग जो mobile users हैं, unique mobile users हैं, they are 5.19 billion, जिसका मतलब है कि 67% penetration है of people who are using mobile. इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर 67% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज 4.54 बिलियन. यानी कि इन यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स में 59% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल. और जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है 3.80 बिलियन, यानी कि 49% पेनिट्रेशन. तो जितने लोग इंटरनेट यूजर्स हैं उनमें से 49% लोग हैं, नियरली 50%, नियरली आधे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. So we can understand that ये platform कितना popular है. More than 50% people in the world are using either internet or mobile, who are mobile users or active social media users. अब हम बात करते हैं कि digitally कितना grow किया है world. हम दोस्त last year के comparison में, last year January से इस year January के comparison में यहाँ देखते हैं.
So in terms of total population, there has been a growth of 1.1%, 82 million growth हुआ है. अगर हम मोबाइल फोन यूजर्स की बात करें, आपको याद है मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि 5.19 बिलियन है जनवरी 2020 में लोग जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं. सो देयर हैज बीन जनवरी 2019 से जनवरी 2020 के बीच में 124 मिलियन लोगों का इंक्रीज हुआ है ऑफ पीपल हु आर यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स, यानी कि 2.4% की ग्रोथ है. नाउ पीपल जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें 7% का ग्रोथ देखा गया है, विच इज 298 मिलियन पीपल. और जो लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं और उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 321 मिलियन एक साल के अंदर जनवरी 2019 से 2020 के बीच में, विच इज अ 9.2% ग्रोथ. सो यू कैन सी द हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ यू नो पीपल हु आर यूजिंग, जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में सोशल मीडिया रैंकिंग की बात करें तो आप एक ऐसे देश में हैं जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो देयर हैज बीन अ 48% ग्रोथ. दीज आर द फिगर्स ऑफ जनवरी 2020 कंपेयर टू लास्ट ईयर. 48% ग्रोथ देखा गया है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स. एंड इंडिया टॉप्स द चार्ट. इंडिया इज नंबर वन फॉलोड बाय चाइना एंड इंडोनेशिया. यू कैन इमेजिन, ये डेटा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं पोटेंशियल. सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट यू नो इट्स नॉट अ फैक्ट कि सब अगर आपके फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज करें. सोशल मीडिया हैज बिकम अ नेसेसिटी नाउ. सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से बांध के रखा है, इंटीग्रेट करके रखा है. 3.80 बिलियन लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया, ये पिछले साल के कंपैरिजन में 9.2% का ग्रोथ है. अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो हम देखेंगे कि दुनिया भर में 49% लोग जो हैं जो सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. 366 न्यू लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया लास्ट ईयर के मुकाबले. एंड दैट इज मोर देन अ मिलियन न्यू पीपल जॉइनिंग सोशल मीडिया एवरी सिंगल डे. यू कैन इमेजिन कि इस हिसाब से 1 मिलियन लोग हर दिन सोशल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं. 2.4 बिलियन लोग जो हैं जो फेसबुक यूज करते हैं हर महीने, जिसमें से 346.2 मिलियन यूजर्स जो हैं भारत से हैं. सो यू कैन अगेन इमेजिन द पोटेंशियल. और 5 मिनट में से 1 मिनट, 1 of every 5 minutes जो होता है लोग अपने मोबाइल पे इस्तेमाल स्पेंड करते हैं, इधर ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं. सो हर 5 मिनट में 1 मिनट में आप देखेंगे कि पीपल आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. 1 बिलियन इंस्टाग्रामर्स में 88 मिलियन एक्टिव यूजर्स जो है वो भारत से हैं. 663 मिलियन एक्टिव प्रोफेशनल्स जो हैं लिंक्डइन में, इसमें 40 मिलियन भारत से हैं. ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है बिजनेसेस को रीच करने के लिए टू द टारगेट ऑडियंस बाय जॉब टाइटल फंक्शन इंडस्ट्री और मोर. सो यू नो अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें, सो वी विल सी यू नो हाउ पीपल आर एक्टिवली यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स. और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि डिजिटल कंज्यूमर्स हर दिन नियरली 2.5 घंटे सोशल नेटवर्क्स और सोशल मैसेजिंग पे बिताते हैं. तो आप देखिए ये एवरेजेस हैं, आप इसमें से कितना टाइम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया है. ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं है बल्कि ब्रांड्स, वेरियस कंपनीज, वेरियस ब्रांड्स, इन्होंने एम्ब्रेस किया है सोशल मार्केटिंग को. ये अपना रहे हैं सोशल मार्केटिंग को. 90% ब्रांड्स जो हैं वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपनी ब्रांड के बारे में जानकारी देने के लिए. पर 58% ब्रांड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कितना बढ़ोतरी हुई है, क्या इफेक्ट, कितना इफेक्टिव है सोशल मीडिया का माध्यम, ये मापना बहुत मुश्किल है. लेकिन इसमें से 34% ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपना सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
मापते हैं, नापते हैं, और वो किस तरीके से नापेंगे इन टर्म्स ऑफ द न्यू कस्टमर्स दे हैव एक्वायर्ड और द बिजनेस इंक्रीज जो उन्होंने देखा यूजिंग वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. 28% मार्केटर्स जो हैं, इन्होंने या तो इम्प्लीमेंट कर लिया है सोशल कॉमर्स को, क्या ये करने वाले हैं सोशल कॉमर्स को, तो आप इसका पोटेंशियल देख सकते हैं. 77% ऑफ द ब्रांड्स जो हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल मीडिया का जो यूज होगा वो इंक्रीज होगा. एंड अगर आप ब्रांड्स के प्रोफाइल्स देखें तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो बिजनेस ब्रांड्स हैं ये 4 से 10 सोशल प्रोफाइल्स अपनी मेंटेन करके रखते हैं. 4 से 10 सोशल प्रोफाइल्स का मतलब 4 से 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये एक्टिव हैं, रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल. कंज्यूमर्स जो होते हैं ये भी आज के समय में सोशल ब्रांड्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं टू रीच आउट टू ब्रांड्स. अगर आप खुद को ही देखें तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कुछ लेना होता है तो आप क्या करोगे, इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. आप फटाफट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या गूगल पे डाल के देखते हो टू जस्ट टू नो अबाउट द ब्रांड्स, टू रीड द रिव्यूज ऑफ द ब्रांड्स एंड हाउ एक्टिव, कितना एक्टिव वो ब्रांड है ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स. तो और ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाता है वेदर कि आप उस ब्रांड से कुछ लो या आप ना लो, वेदर टू टेक दैट ब्रांड सीरियसली और नॉट सीरियसली. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई ब्रांड्स जो है इन्होंने सोशल मार्केटिंग को अपनाया है. 40% डिजिटल कंज्यूमर सोशल नेटवर्क्स यूज करते हैं टू रीच आउट न्यू ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. और अगर आज के समय में आप देखेंगे तो स्टोरीज जो होती हैं, दे आर टेकिंग सोशल बाय स्टॉर्म. एज यू वुड हैव सीन, यू नो, वेदर इट्स ऑन फेसबुक और वेदर इट्स ऑन इंस्टाग्राम, आप स्टोरीज देखते हैं. एंड माना जाता है कि इस साल के अंदर स्टोरीज जो हैं ये फीड्स को, न्यूज फीड को आउटस्पेस कर देंगी, पीछे छोड़ देंगी. Nearly a billion people use stories across WhatsApp, Instagram, Facebook and Snapchat. और stories जो हैं वो 15% तेजी से बढ़ रहे हैं compared to news feed, speed-based sharing जो होती है उसके मुकाबले. 80% brands जो होते हैं वो stories का इस्तेमाल कर रहे हैं at least किसी एक social network के अंदर. So, ये है सिग्निफिकेंस आज के समय में सोशल मार्केटिंग की जो ब्रांड्स ने अपनाया है. आइए हम बात करते हैं अबाउट द पावर ऑफ सोशल मीडिया. क्या फायदे हैं सोशल मीडिया के? सबसे पहला फायदा कि आपका रीच एक्सपैंड करता है ज्योग्राफिकली. आज के ही सेशन को आप देख लीजिए, मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, आप लोग सब अपने अपने शहरों में हैं भारतवर्ष में और ऑल अक्रॉस, अगर बाहर से भी कुछ लोग देख रहे हैं. और आज कितने सारे लोग हैं जो इस वेबिनार को फेसबुक लाइव के जरिए देख रहे हैं, राइट? सो आपका रीच बढ़ता है ज्योग्राफिकली. दूसरा, ये रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर अबाउट स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप. ये इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, इट्स अबाउट building confidence in each other. It's about engagement, it's about sharing and it's about caring. So social media platforms jo hain ye relationships ko strengthen karte hain, ye aapke brand ko badhate hain. You yourself are a brand. मैंने आपसे बात किया था कि ब्रांड्स आज के समय में एंडोर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को, पर आप अपने आप में एक ब्रांड हैं, आप अपने बिजनेस के सीईओ हैं. आप जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो आपकी वैल्यूज को, आपके मिशन को, आपके विजन को दिखाता है. सो ये आपका ब्रांड बिल्ड करने में मदद करता है, राइट? कहा जाता है ना कि आपकी स्माइल एक लोगो होती है आपका, आपकी पर्सनालिटी आपका बिजनेस कार्ड होती है, और आप लोगों पे कैसा इम्प्रेशन छोड़ते हो, कैसे जब आप वहां से निकलते हो, तो वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है. तो इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके ब्रांड को बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. तो आइए बात करते हैं सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की. तो आपके हिसाब से सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब? तो क्यों ना बात करें हम सबसे पहले सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की,
And the most popular social media platforms are सबसे पहले Facebook, YouTube, then you have WhatsApp, you have Instagram, then you have Messenger, Twitter and LinkedIn. So in the order of popularity, ये social media platforms हैं. तो आइए बात करते हैं हम the most important social media platform ki which has been the watershed moment, yani ki February 2004 ek watershed moment raha hai in terms of social media, jab Facebook ki shuruaat hui thi and there was no looking back after that. Jab hum Facebook ki baat karte hain to pehla shabd jo hamare dimag mein aata hai wo aata hai engagement. Jin logon se hum connected hain, hamare jo audiences hain, hamare jo friends hain, जो लोग हमारे पोस्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ जो आप अपने आप से पूछिए कि आप इनमें से क्या करते हैं अगर आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ यू नो एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं. आप टैग करते हैं, आप कैप्टिवेटिंग कंटेंट, अच्छा कंटेंट उनके साथ शेयर करते हैं, आप एडवर्टाइज करते हैं. वेल बहुत लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं एंगेज करने के ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट द मोस्ट पावरफुल एंड द बेस्ट वे कि आप अपने ऑडियंसेस के साथ एक कनेक्शन बना सके, एंगेज कर सके, वो होता है कंटेंट. आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ जो है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो डिटरमिन करती है आपके कंटेंट की स्ट्रेंथ से. कंटेंट का मतलब जो सब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो आपका कंटेंट है. एंड कहा जाता है कंटेंट इज द किंग, राइट? तो आपकी सोशल मीडिया की क्या स्ट्रेंथ है वो आपके कंटेंट पे निर्भर करती है. तो अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पावरफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंगेजमेंट बहुत अच्छा हो अपने फॉलोअर्स के साथ, तो आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले एक कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट करना, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक ऐसा कॉन्टेंट जो आप रेगुलरली डालते रहे और जो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट हो. नॉट नेसेसरीली कि आप फॉरवर्ड्स ही करें, बल्कि कुछ ऐसा कंटेंट जो वैल्यू ऐड करे. कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद को पढ़ के अच्छा लगे. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर आपके ऑडियंसेस को भी अच्छा लग रहा है. सेकेंडली, कैप्टिवेटिंग कॉन्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा कॉन्टेंट जो आपके ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्ड कर सके, जो बहुत ही ओरिजिनल हो, जो यूनिक हो, जो एंगेजिंग हो, जहाँ आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकें और वो आपसे उन सवालों का जवाब दे सके, जो वन वे ना हो, जो सिर्फ आपके बारे में ना हो, जो उनके बारे में भी हो, जहाँ पे आप उनसे क्वेश्चंस कर सकें, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकें, क्योंकि सोशल मीडिया वन वे प्लेटफॉर्म नहीं होता. अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपको एक मोनोलॉग नहीं करना, आपको खाली बोलना नहीं है. वी हैव टू एंगेज, वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पीपल, विद द फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स जो हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं. तीसरी और जरूरी चीज, अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आपको कम्युनिटी बनानी है अपने फ्रेंड्स की ऑर्गेनिक मेथड्स के थ्रू. आप फेसबुक एड्स के थ्रू या इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू या और किसी और प्लेटफॉर्म में एड्स के थ्रू आप ऑडियंसेस को एक्वायर तो कर सकते हैं, पर उनको रिटेन करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि आपको कैप्टिवेटिंग कंटेंट को क्रिएट करना है. आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, पीपल वुड लाइक टू फॉलो यू, वो लोग जो आप जो कहते हैं वो सुनना चाहते हैं, आपके वेट करते हैं कि आप अपना नेक्स्ट कंटेंट कब शेयर करें. एंड बहुत जरूरी है कि यू हैव टू कन्वर्ट, डेवलप और एग्जीक्यूट करना है आपको ऐसे प्लान को जहाँ पर आपके ऑडियंसेस को आप कन्वर्ट कर सकें, यू नो, इनटू योर ब्रांड लॉयलिस्ट, आपके कस्टमर्स में. ये बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई वी से सोशल मीडिया मार्केटिंग. इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ एंगेजिंग कंटेंट के बारे में बात करूंगी, डाइवर्स कंटेंट के बारे में बात करूंगी, जो आपके ऑडियंसेस के साथ एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट बना के रखेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करें, आप कैप्टिवेटिंग कंटेंट क्रिएट करें,
कम्युनिटी बिल्ड करें और इवेंचुअली आप अपने उन फैंस या फॉलोअर्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें, और ये तब होगा जब आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। तो आइए एक और सवाल अपने आप से पूछते हैं, हम किस तरीके का कंटेंट डालें जिससे फॉलोअर्स जो हैं वो हमारे साथ एंगेज करें, राइट? मोटिवेशनल होना चाहिए, वायरल वीडियोस होने चाहिए, प्रोडक्ट स्टोरीज होने चाहिए, या सारा होना चाहिए, मोटिवेशनल भी हो, वायरल वीडियोस भी हो, प्रोडक्ट स्टोरीज भी हो, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। सो वेल, द आंसर टू दिस इज इट शुड बी एन एंटरटेनिंग कंटेंट, इट शुड बी ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको के साथ शेयर करूंगी किस किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। एंटरटेनिंग कंटेंट में आप फन हॉलीडेज डाल सकते हैं, आप फेस्टिवल्स या नेशनल हॉलीडेज, नेशनल डेज के बारे में बता सकते हैं, सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट के बारे में आप बता सकते हैं, दिस आर ऑल एंटरटेनिंग कंटेंट, या आप कुछ वायरल वीडियोस शेयर कर सकते हैं, दिस इज ऑल एंटरटेनमेंट। देयर शुड बी डाइवर्सिटी एज आई मेंशन इन द कंटेंट, या आप इंस्पिरेशनल कंटेंट डाल सकते हैं अपने ऑडियंसेस को एंगेज करने के लिए, इसमें आप कोट्स डाल सकते हैं बाय फेमस पर्सनालिटी, आप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स शेयर कर सकते हैं, राइट? या आप कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस शेयर कर सकते हैं उनके साथ, या आप अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें इंस्पिरेशनल है। देन आपको कंटेंट एजुकेशनल भी हो सकता है, जिसमें आप इंडस्ट्री अपडेट्स डाल सकते हैं, आप कुछ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, आप लाइव वीडियो ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी फॉरएवर लिविंग इंडिया के पेज पे एक लाइव ट्रेनिंग हो रही है, इट्स एन एजुकेशनल कंटेंट, या होने वाली है, आप बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, सो दिस इज एन एजुकेशनल कंटेंट। देन आपका एक कॉन्वर्सेशनल कंटेंट भी हो सकता है, जहाँ फेसबुक पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, या पोल्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन फेसबुक, सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशनल कंटेंट। या आप कनेक्शन बना सकते हैं, जब आप कनेक्शन कैसे बनाते हैं, जब आपने कुछ प्रेजेंट किया उसके बिहाइंड द सीन्स आप डाल रहे हैं, इवेंट्स की पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, या आप प्रोडक्ट रिव्यूज जो हैं, प्रीव्यूज जो हैं वो दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस अगर आप इतना डाइवर्स कंटेंट डालेंगे तो इट बिकम्स वेरी वेरी एंगेजिंग, और आप अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करेंगे, और आपके फॉलोअर्स भी आपके साथ एंगेज करना पसंद करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ फेसबुक डूज एंड डोंट्स की। फेसबुक डूज और डोंट्स में सबसे पहले हम डूज की बात करते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी है अपने पर्सनल और बिजनेस पेज को सेग्रीगेट करने की, आपका पर्सनल प्रोफाइल वर्सेस अ बिजनेस पेज। आपका पर्सनल प्रोफाइल आपको दिखाता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, इसमें आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आपकी कुछ प्रिवेसी सेटिंग्स होती हैं जो आप सेट करते हैं, ये आपकी एक फ्रेंड लिस्ट होती है लोगों की, आपके ऊपर है आप शो करना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते हैं, इसमें आप सिर्फ पर्सनल पोस्ट क्रिएट करते हैं, बिजनेस पोस्ट क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे आप अपने बिजनेस पेज से स्टफ शेयर करते हैं, लेकिन डायरेक्टली बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैंने आप में से बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स देखी हैं। अ लॉट ऑफ यू हैव सेग्रीगेटेड पर्सनल प्रोफाइल्स विद बिजनेस प्रोफाइल्स, पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को अपनी बिजनेस प्रोफाइल ही बना के रखा है, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो दिल बी क्लैश, आपके जो पर्सनल फ्रेंड्स होंगे उनको ऐसा लगेगा कि आप किसी पर्सनल मोटिव के साथ इस यू नो अपने पेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दे वुड नॉट लाइक टू इंटरैक्ट विद यू ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो ऑलवेज सेग्रीगेट दीज प्रोफाइल्स। देन देयर इज अ बिजनेस पेज, आपके बिजनेस पेज पे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज अ बिजनेस, यहाँ पे आप बिजनेस इंफॉर्मेशन, टिप्स और सजेशंस दे सकते हैं, यहाँ पे ये पेज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कंटेंट शेयर करने के लिए है,
फैंस यानी कि वो लोग जो आपका ये पेज लाइक करते हैं, मे बी इसमें वो लोग हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। तो यहाँ पे आप प्योरली बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और वहाँ पे आप प्योरली पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या अपने बिजनेस पेज की इंफॉर्मेशन कभी कभी शेयर कर रहे हैं बट नॉट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन बना के रखिए अगर आप कंप्लायंट रहना चाहते हैं टू एंड टू मेंटेन अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। अदरवाइज होगा क्या, आपके पर्सनल पेज पे भी आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपके पोस्ट पे एंगेज करना नहीं चाहेंगे, दे विल फील प्रेशराइज और उनको लगेगा कि आप अपने पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन दीज टू सेपरेट पेजेस, अगर नहीं किया तो जरूर कीजिए, राइट। नाउ वील टॉक अबाउट पर्सनल प्रोफाइल वर्सेज बिजनेस प्रोफाइल। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यू ऑल रिकग्नाइज हमारे मिस्टर हरीश सिंगला, यू नो आर रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ पीपल। ये उनका पर्सनल पेज है, राइट। सो एज यू सी दिस इज अ पर्सनल प्रोफाइल एंड दिस इज अ बिजनेस प्रोफाइल, राइट। This is a difference. This is how you have to create the difference over here. Then Facebook में अगर हम कोई do's and don'ts की बात करें तो सबसे पहले do's होता है एक professional picture डालना Facebook के अंदर, and 8 profile picture rules होते हैं जो हर professional को follow करने हैं। सबसे पहले आपका face focus में होना चाहिए, आपको अपना head straight रखना है, आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होगी उसमें आप ही इस सब्जेक्ट हो, यानी कि आप देखो बैकग्राउंड इमेजेस आपकी मिनिमल हो, राइट। सो योर फेस शुड बी द ओनली फोकस। आपको अपनी एक रीसेंट पिक्चर यूज करनी चाहिए। यू शुड वेयर एन अप्रोप्रिएट अटायर अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर डाल रहे हैं। आपको एक प्लेजेंट फेशियल एक्सप्रेशन देना है। You should not be using company logo. यहाँ पे मैं mention करना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे profiles देखे हैं of our FPOs जिन्होंने company logo का इस्तेमाल कर रखा है। You should never use it. ये आपकी profile है, आपको इसमें अपना logo use करना है। It's not allowed first of all कि आप company logo का इस्तेमाल करें, that is not correct. And secondly, it's your profile. Company profile पे company logo use किया जाएगा, but in your profile you should use your picture and always use a picture. Don't leave it blank. So ये आपको 8 profile picture rules जो हैं ये follow करने हैं. Then आपको interesting, अगर आप professional picture डालना चाहते हैं then आपको एक interesting quality content डालना है which is timely and relevant for your followers. आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना है और स्ट्रेटेजिक टाइम्स पे पोस्ट करना है। आपको ऐसा कंटेंट शेयर करना है जो आप दूसरों को रेकमेंड कर सकें। आप कॉन्टेस्ट प्रमोशंस रन कीजिए अगर आप अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करना चाहते हैं। आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए टू इंक्रीज इंटरेक्शंस। ये एनेबल करता है कि और लोग जो आपके साथ जुड़े नहीं है वो भी आपको ढूंढ सके। आपको लिंक्स यूज करने हैं जो कि ट्रैफिक को ड्राइव करें आपके वेबसाइट की तरफ। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के नीचे आप वेबसाइट का लिंक डालें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो दैट आपका जो फॉलोअर है, जो आपका फैन है, उस पर क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सके। आपको एंगेजिंग फोटोज डालनी है और क्वेश्चंस पूछने हैं। एज आई सेड हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट की बारे में बात की थी। आपको रिस्पॉन्ड करना है और लाइक करना है कमेंट्स उन लोगों के साथ जो आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर पोस्ट शॉर्ट कमेंट्स। 100 से 250 कैरेक्टर के बीच में जो कमेंट्स होते हैं इसमें 60% ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मिलते हैं रादर देन राइटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी इन योर कमेंट्स, राइट। अपने कवर फोटो को ऑप्टिमली यूटिलाइज कीजिए और अगर आप चाहें अपने स्पेशली बिजनेस पेज पे आप अपने साइट का लिंक जरूर डालिए ताकि उस पर क्लिक करके लोग आपके साइट पे जा सके। एंड यू हैव टू वॉक योर टॉक। यू नो सोशल मीडिया इज अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म, इसीलिए कहा जाता है आप सोशल मीडिया में वेंचर तब करें जब आप सोशल मीडिया पे डेली कंसिस्टेंटली टाइम दे सकें, अदरवाइज नॉट। अगर आप सोशल मीडिया में एंटर कर गए हैं देन यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। इट्स एन ओपन बुक सो यू हैव टू वॉक योर टॉक। आप जो बोल रहे हैं वो आपको करके दिखाना है। लेट्स टॉक ऑफ सम फेसबुक डूज एंड डोंट्स।
आपको औरों से पूछना है टू लाइक और फॉलो, कभी किसी और से ये नहीं पूछेंगे कि मेरे पोस्ट को लाइक कीजिए या फॉलो कीजिए, राइट? सो दिस इज एन एब्सोल्यूट नो नो. बहुत सारे लोग हैं यू नो हु वुड पोस्ट आल्सो सच थिंग्स, सो डोंट डू दैट. डोंट ओवर यूज हैशटैग्स. मैंने आपसे कहा था फेसबुक पे हैशटैग्स यूज कीजिए, बट डोंट ओवर यूज हैशटैग्स. That is for Instagram. Tag people, don't tag people in pictures or graphics. जो आपकी फोटो में ना हो, that's very very annoying. You know, आपको बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करो. That's very very annoying. You should never ever do that. जो लोग उस पिक्चर में हैं, आप सिर्फ उन्हीं को टैग कीजिए, not to people who are not in that picture. Constantly, हमेशा अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहना इज ऑल्सो अ बिग नो नो. द कॉन्टेंट शुड बी वेरीड. अभी हमने बात की थी अलग अलग तरीके का कॉन्टेंट होना चाहिए. एक ही चीज के बारे में बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे मत बोलिए. सो कॉन्टेंट स्लाइड जो मैंने आपको बताई थी उसको हम अभी आगे भी चेक करेंगे. डोंट फ्लड द न्यूज फीड्स. यू नो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक हफ्ता तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ नहीं करेंगे, देन ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे दे विल वेक अप, गेट इंस्पायर्ड और एक साथ 5, 6, 7, 8, 10 पोस्ट आते चले जाएंगे. डोंट डू दैट. बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट. हर दिन पोस्ट डालिए और स्पेस दीजिए अपने पोस्ट के बीच में. डोंट फ्लड इट. डोंट पोस्ट लो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन जो आप फैमिली के साथ देखना पसंद करें वो डालिए. डोंट पुट एनी लो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन. ऐसी इन्फॉर्मेशन मत डालिए जो आप खुद ना देख सकें, राइट? एंड ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स. नेग्लेक्ट टू पोस्ट ऑन वीकेंड्स और डोंट नेग्लेक्ट टू पोस्ट ऑन वीकेंड्स और व्हेन योर ऑडियंस इज ऑनलाइन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीकेंड्स पे या जब आपकी ऑडियंस ऑनलाइन है तब आप अपनी पोस्ट को शेयर करें. Right? Don't forget that your page is there to engage your followers, not just to sell the product. It's very, very important. कि आपको एक engagement create करना है जो आप कर सकते हो, you know, by having diverse content. आपको बेचना नहीं है उस पेज से. अगर आप एक engagement बनाओगे अपने followers के साथ, fans के साथ, तो automatically आप business भी create कर पाओगे. लेकिन अगर आप purely सिर्फ business पे focus करोगे तब you know you will not be able to create that engagement and you will not be able to get a business out of your social media platform. आइए अब हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं. दिस इज अ सैम्पल कैलेंडर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. दीज आर 31 सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज. आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इनको इस्तेमाल करें हर दिन के लिए एक नया आइडिया. दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट. ये यू नो इससे आप बहुत एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं. किसी दिन आप प्रोडक्ट फीचर डाल सकते हैं, एक दिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, किसी दिन आप एक इंस्पिरेशनल कोट डाल सकते हैं, किसी दिन आप शेयर कर सकते हैं आपने जो पढ़ा उसको, फिर आप एक क्विक टिप या ट्रिक शेयर कर सकते हैं, एक डे इन अ लाइफ पोस्ट डाल सकते हैं, कोई टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, आप किसी कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर डाल सकते हैं अपने पोस्ट में, आप किसी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को हाईलाइट कर सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ द मंथ को हाईलाइट कर सकते हैं, आप एक इंफोग्राफिक डाल सकते हैं, आप एक स्टोरी डाल सकते हैं विद अ फोटोग्राफ, आप कुछ बिहाइंड द सीन्स डाल सकते हैं, कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर सकते हैं, पोल ले सकते हैं लोगों से, आप अपने किसी टीम मेंबर को कोई स्पेशल अचीवमेंट रिकग्निशन के लिए हाईलाइट कर सकते हैं विच कैन बी इंस्पायरिंग टू पीपल, कोई फन फैक्ट शेयर कर सकते हैं, आपके किसी कस्टमर ने या आप में के किसी जानकार ने कोई प्रोडक्ट यूज किया हो इसका आप बिफोर एंड आफ्टर डाल सकते हैं, कोई इंडस्ट्री फीचर डाल सकते हैं, फन पिक्चर डाल सकते हैं, आप कोई एक आई कैचिंग फोटो डाल सकते हैं और बिफोर और आफ्टर में आप अपनी लाइफ बिफोर और आफ्टर भी शेयर कर सकते हैं, राइट? बट क्लेम्स डालने से, क्लेम्स आप ऐसे नहीं डालेंगे. ये लेट मी क्लियर दिस विद यू. आपको पहले अप्रूव कराना है एंड देन यू हैव टू पुट इट. डोंट पुट एनी फॉल्स क्लेम्स बिफोर और आफ्टर के अंदर. हॉलीडे पोस्ट डाल सकते हैं, आप कोई इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक शेयर कर सकते हैं, राइट?
आप कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं टू गेट योर इनपुट फ्रॉम योर फॉलोअर्स, कोई टूल रेकमेंड कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल का वीकली राउंड अप कर सकते हैं जो आपने इस पूरे वीक में पढ़ा हो और आपको अच्छा लगा हो, कोई फैन फोटो शेयर कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल पोस्ट डाल सकते हैं अगेन या प्रोडक्ट पिक्चर, और आप थैंक यू कर सकते हैं अपने फैंस को. सो दीज आर 31 सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज. यू नो, अगर आप इसमें से एक आइडिया हर दिन पिक करके देखेंगे, यू विल रियली सी रिजल्ट्स, बिकॉज डाइवर्स कंटेंट चाहिए होता है. आप भी किसी ऐसे इंसान को फॉलो करना पसंद करते हैं जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाइवर्स कंटेंट होता है, एक ही टाइप का कंटेंट नहीं होता, राइट? और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कंटेंट में ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का जरूर इस्तेमाल करें, यू, क्योंकि यू नो दिस इज मेंट फॉर यू. कंटेंट में आप डालें, बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर. व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिल रहा है आपने जो डाला है उससे, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सेकेंड इज फ्री, कोई भी इंसान फ्री भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज you know you have to show the customer why they need it, then risk free, right? The consumer feels secure aapko paisa dene se pehle. So ye words jo hai, ye bahut important words hai marketing ke, and try and incorporate these words apne content ke andar. आपके साथ एक सीक्रेट मैं शेयर करूं, हर एक इंसान यू नो एक स्पेशल टिप या ट्रिक जानना चाहता है, देन इंस्टेंटली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सबको चाहिए होता है, यू नो, सो इंस्टेंटली इज अनदर वर्ड. देन डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये एक कैपिटलाइज करता है एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, सो डोंट यूज दिस टर्म. इजी, हर एक इंसान कोई ऐसी चीज चाहता है विच इज हैसल फ्री या लिमिटेड टाइम, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है. सो इन वर्ड्स का कंटेंट में, 9 ये वर्ड्स हैं, इनको अपने कंटेंट में कहीं ना कहीं जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए, एंड यू सी द डिफरेंस, राइट? सो अब हम बात करते हैं कि क्या टाइम है जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. सो हमें इससे हर एक का अलग अलग टाइम होता है, 1 बजे से 3 बजे के बीच में, 3 बजे से 4 बजे के बीच में, या सवेरे 7 से 9 के बीच में, या 12 से 6 के बीच में. What is the ideal time? Then again, it's very important to understand that हर social media platform peak पे एक particular time period के पे होता है, right? Now in the current situation, the times have also changed. So it's very important कि हमें अपनी convenience के हिसाब से इन platforms पे post नहीं डालनी, because what might be convenient for you वो जरूरी नहीं है कि आपके audiences के लिए भी convenient हो. सो आइडियली फेसबुक का जो टाइम होता है वो थर्सडे फ्राइडे होता है 1 PM to 3 PM क्लोज टू वीकेंड. इंस्टाग्राम मंडे होता है 3 PM to 4 PM, राइट? लिंक्डइन पे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे होता है 7 to 9 मॉर्निंग में या 5 to 7. ट्विटर पे मंडे टू फ्राइडे रहता है 12 PM to 6 PM. सो दीज आर द आइडियल टाइम्स इन द आइडियल सिनेरियो, बट इन द करंट सिचुएशन when we are quarantined, जब हम घर पे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, I'm sharing with you some of the, यहाँ पे मैं information आपके साथ जो share कर रही हूँ, this is the time in the current situation, right? So ये जो आप lines में time देख रहे हैं, ये lines का जो time है, ये beginning of the year था, when you know we were not quarantined, but in the current situation aap dekhenge Facebook ka jo time hai engagement ka wo 10 AM to 11 AM Monday ko, then Tuesday ko 11 baje ke kareeb hota hai, Wednesday ko again 10 baje se you know close to 11, Thursday ko again 11 baje, and Friday ko 10 to 11. This is a peak time. Pehle 1 se 3 ke beech mein raha tha saal ke beginning mein. Again Instagram pe agar aap dekhoge आज के समय में 11 बजे का टाइम मॉर्निंग का, मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे को 2 बजे का टाइम, एंड फ्राइडे को अगेन 11 o'clock का टाइम, राइट? सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एंगेजमेंट. और बेस्ट टाइम क्यों है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं, लॉक्ड इन होते हैं, पीपल आर रिलेटिवली फ्री इस टाइम में, अपने काम से फ्री होते हैं, एंड दैट्स व्हेन दे यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ये डेटा इज यू नो बीइंग शेयर्ड by Sprout Social, depending you know on the engagement rates. Then Twitter pe best time hai Friday ko 7 to 9 a.m. 7 a.m. to 9 a.m. that's the best time.
आज के समय में 2020 का अगर आप एवरेज देखेंगे तो वेडनेसडे और फ्राइडे होता था, बट अभी के टाइम में इट्स फ्राइडे द एंटायर डे. देन लिंक्डइन पे जो बेस्ट टाइम है पोस्ट करने का इन द करंट सिचुएशन, इट इज बिटवीन 9 and 10 AM ऑन थर्सडेज एंड 11 and 12 AM ऑन फ्राइडेज एंड ऑल्सो वेंसडे को 3 PM पे. This is the average time, best time for engagement in the current situation. So it's very important to know the time जब आप अपने audiences के साथ engage कर सकते हैं, because आपको सिर्फ अपनी convenience नहीं देखनी है, आपको इन platforms को तब use करना है तब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग active हों. Now another question that we have to ask yourself कि हम Facebook पे अपने business को कैसे promote कर सकते हैं. अगर आप Facebook पे अपने business को promote करना चाहते हैं then you have to use storytelling to share, build your brand. So हमने बहुत सारे content के बारे में बात की. I shared a calendar with you in terms of content, but it's very important to understand that आप जो कंटेंट शेयर करोगे इसको आप स्टोरी टेलिंग मोड में शेयर करो, जहाँ पे यू कैन शेयर अ क्रिटिकल प्रॉब्लम जो आपने यू नो सॉल्व की, जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंस्पिरेशन आपके बिजनेस का, आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना स्टोरी टेलिंग मोड आप कैसे औरों से डिफरेंट हो, या आप अपने किसी कस्टमर की स्टोरी शेयर कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेंट एक स्टोरी टेलिंग मोड में हो, यू नो जो उसको बहुत एंगेजिंग बना सके. जस्ट अ स्मॉल रियलिटी चेक, व्यूअर्स जो होते हैं वो रिटेन करते हैं 50% ऑफ व्हाट दे सी बट ओनली 10% ऑफ व्हाट दे रीड. Right? It's very important. So it's very important कि you have to check कि आप क्या post कर रहे हो, आप क्या डाल रहे हो. It's very important to do that. And it takes 21 days to build a habit and 90 days to build a lifestyle. So अगर आप regularly इसको करते रहेंगे तो I'm sure you know you will make this into a habit. It's very important कि आप सबसे पहले इस चीज को buy करें before you sell this idea to somebody else. It's very important to do that. So अगर आप इसको use करना शुरू करेंगे, you will be able to do it with others as well. So it's a brand, आपका खुद का brand एक social media को need करता है, क्योंकि अगर आप अपना brand build करना चाहते हैं तो it's the most cost effective way. ये authenticity provide करता है, ये advertising को complement करता है, ये आपकी क्रिएटिव वॉइस को फोस्टर करता है और एक बहुत अच्छा फोरम प्रोवाइड करता है फॉर कस्टमर केयर एंड मदद करता है एंगेज कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए. और आज के समय में सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो बहुत बढ़ गया है. 25,000 कंज्यूमर्स की स्टडी में अक्रॉस 30 मार्केट्स देखा गया था दैट एंगेजमेंट रेट हैज इंक्रीज्ड बाय 61% एंड यू नो मैसेजिंग हैज इंक्रीज्ड इन द कंट्रीज जो बहुत हार्ड हिट हैं बाय 50%. ट्विटर में 23% इंक्रीज देखा गया है डेली यूजर्स का कंपेयर टू अ ईयर अगो. पीपल जो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते थे वो भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. 15-20% इंक्रीज हो गया है कंपनीज की पोस्ट के ऊपर. सो डोंट मेक वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए. सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एडिफाइंग हो सकता है, एंटरटेनिंग हो सकता है और बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है. इस सेशन के एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक कॉन्वर्सेशन है. सोशल मीडिया इज अ कस्टमर सर्विस, ये एक एडवर्टाइजिंग है और ये कनेक्टेडनेस है. आई एम श्योर और उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे टू बिल्ड योर बिजनेस एंड टू हैव मोर एंगेज्ड कम्युनिटी. हम कल के सेशन में कुछ और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे एंड हाउ यू कैन यूज दोज टू प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज योर बिजनेस. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी सोशल मीडिया मार्केटिंग. थैंक यू, बाय बाय.